हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आजकल हो रही है, क्योंकि जैसे ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, काफ़ी लोगों ने अपना आंसर चेक किया है और लगभग लगभग सभी के 2 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट काफ़ी हताश हैं, हमारे जो हैं भावी असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, इसमें किसी तरह से परेशान या हताश होने की बात नहीं है। जो कंडीशन आपकी है ना, लगभग वही कंडीशन सारे स्टूडेंट्स की है। हालांकि पोस्ट इसमें कम है और उस हिसाब से कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक आप अनुमान लगा के चलें अपने हिसाब से, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़े गड़बड़ सबके हुए हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन में ही केवल ऑब्जेक्शन है जो जारी हुआ है आयोग के द्वारा, लेकिन उसमें भी जो है 50-50 का चांस है, क्योंकि ये सटीक नहीं है कि आयोग आपके उस आंसर को सही मानेगी कि नहीं। वैसे भी जो आयोग ऑफिशियल आंसर की जारी कर देती है, वो उसको चेंज नहीं करती है। बहुत सारे लोग जो है उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, बावजूद उसके कभी कभी एक्शन लेती है आयोग आंसर की पे और दोबारा आंसर की जारी करती है। नहीं तो आपके ऑब्जेक्शन के बाद वो डायरेक्ट क्या है, कट ऑफ निकाल देते हैं या रिजल्ट निकाल देते हैं। फिर भी ऑब्जेक्शन जो करना है आप लोग कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन है वो हम कमेंट में आपको पिन करके बता देंगे। अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से अपने कट ऑफ की ओर चलते हैं कि जो इस समय की कंडीशन है या जिसे सबके नंबर्स कम हुए हैं, तो आप कट ऑफ अब क्या जा सकते हैं। यहाँ हम जिस कट ऑफ की बात करेंगे वो उस कट ऑफ की बात करेंगे जिन्हें इंटरव्यू में कॉल करने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, अगर फाइनल कट ऑफ जो है वह एक अलग विषय होता है, लेकिन इंटरव्यू कॉलिंग करने के लिए जो कट ऑफ जारी की जाती है वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल हम लॉ सब्जेक्ट में इंटरव्यू कॉलिंग के कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और मेल हैं, तो आप 135 से 140 के बीच में हैं, तो समझ लीजिए कि आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अगर यही फीमेल की बात करें, तो फीमेल जो है जनरल कैंडिडेट, उनका 125 से 130 के बीच में है, तो उनका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं और ओबीसी मेल 125 से 130 है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करें, तो बहुत होगा, इसमें से 2 या 3 नंबर ही कम होंगे, मतलब 127 या 123 या 124 ही आप मान सकते हैं। एससी की जो कैटेगरी, एससी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, अगर उनका कट ऑफ 115 से 120 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में है, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो अगर उनका 110 से 115 के बीच में रिटेन का मार्क्स आ रहा है, तो उनके लिए भी चांस है कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं। देखिए, ये जितना हमारा डाटा है वो आप ही लोगों से बात करने के बाद मिला है। तो अगर जिस हिसाब से, क्योंकि ये बात सबसे तो होती नहीं, कुछ विश्वसनीय लोगों से होती है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हैं, आप जनरल हैं और 135 में तक आपका नंबर है, फीमेल है 130 है, तो ओबीसी है 130 और एसटी 115 और एससी 120, अगर इतने में आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हो और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल हो सकती है। और आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी रखिएगा। साथ ही फाइनल सिलेक्शन की बात हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो हमने आपको कट ऑफ बताया, आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, जो कि होगा है बिल्कुल, तो वहाँ आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में एक जो जनरल होता है वो 15 नंबर देते हैं या 18 नंबर देते हैं। अगर आपका इंटरव्यू प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे, आपको 25 ऑनवर्ड मिल जाए या 23-24 मिल जाए, उसके साथ आपका ये जो कट ऑफ बता रहे इसमें, तो आप फाइनल सिलेक्शन के हकदार होंगे। तो जो पिछले बार का कट ऑफ है, उस हिसाब से अगर देखें, तो आपका फिलहाल जो ये बन रहा है वो ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स टू ऑल, आई होप आप सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।